पूरे सदन की तालियां उठें कि कौमी एकता का इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है कि इतना तो तेरे दर पे मुकद्दर जवाब दे, कतरा करे सवाल समंदर जवाब दे, और इतनी तो हो हम सब में आपस की एकता कि मस्जिद के हर सवाल का मंदिर जवाब दे, मस्जिद के हर सवाल का मंदिर जवाब दे। बहुत बढ़िया। आइए मैं एक धमाकेदार कवि को आपके बीच में प्रस्तुत करना चाहता हूं, मेरा प्यारा छोटा भाई। रीवा संभाग ने जब संभावनाओं को उगला, रीवा संभाग से एक ऐसा प्यारा हास्य का कुशल चितेरा निकला जिसका नाम होता है अमित शुक्ला, जिसने बहुत कम समय में कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक यात्रा की है। एक बार आपकी तालियों का शोर उसके कानों में पड़ जाए फिर तो वो आपसे तालियां बजवा ही लेगा। एक बार बस उसके लिए जोरदार तालियां बजा दें। अमित शुक्ला, रीवा, मध्य प्रदेश। भैया आइए आइए, रखे रहें तो फिर कोई दिक्कत नहीं, रखे रहें तो फिर किसी की पत्नी का सम्मान होगा तो फिर लाना पड़ेगा। हाँ, ले जाए। अरे ले जाओ ले जाओ, स्वागत। दादा ने हमको बहुत अच्छे ढंग से उठाया है, भगवान दादा को भी अच्छे ढंग से उठाए। बहुत अच्छे। प्रीति ने सचमुच बहुत अच्छा काव्य पाठ किया है। अनिल जी यहाँ माला पहनाए हैं, घर जाकर के मेरी तरफ से चरण स्पर्श कर लीजिएगा। वो तो खैर रोज का काम, उसमें सिर्फ आपका स्पर्श रहेगा, भावनाएं मेरी ही रहेंगी। साक्षात वैष्णो माँ का अवतार लग रही थी प्रीति। उसके बाद डायरेक्ट दादा ने हमको खड़ा कर दिया, ऐसा लगा जैसे वैष्णो माता के बाद डायरेक्ट भैरव बाबा प्रकट हुए। बहुत अच्छे अमित, बढ़िया लग भी रहा। रीवा से दादा ने बताया कि मैं आया हूँ। आप लोग जो गए होंगे जानते होंगे, रीवा सफेद शेरों की धरती कही जाती है, व्हाइट टाइगर की धरती कही जाती है। ये अलग बात है विधायक जी कि आप सोच रहे होंगे मुझको देख करके कि व्हाइट टाइगर की धरती में तुम जैसा ब्लैक चिंपैंजी कहां से पैदा हो गया। लेकिन वैसे भी आप क्या सोचेंगे विधायक जी, मेरे और आप में ज्यादा अंतर है भी नहीं। ऐसा लग रहा है कि बनारस के पिछले जन्म में मेले में हम लोग बिछड़ गए थे। लेकिन 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 इस खूबसूरती का राज है विधायक जी, हल्के मत लीजिए आप लोग। बहुत अच्छे, हल्के मत लीजिए आप लोग। मैं बैठी क्या बैठे, सच घटना बता रहा हूं। अभी विख्यात भाई हमको लखनऊ बुलाए थे नवरात्रि कार्यक्रम, विधायक जी अगर हंस दिए हैं तो अब हमारी सुंदरता पर नाच करेंगे। हम लोग कितने काम के आदमी, नवरात्रि के कार्यक्रम में ये विख्यात भाई हमको बुलाए थे, अब हमारे चेहरे से नजर मत हटाइएगा और विधायक जी के। हाँ, नवरात्रि के कार्यक्रम में ये हमको बुलाए थे, जैसे ही होटल से लेके चले दादा तो चार पांच लोग डंडा लेके खड़े हो गए। तो ये पूछे कि क्या दिक्कत है, बोले ये तुम्हारा कौन है, तो ये बोले कि हमारे बड़े भाई हैं, बताइए क्या दिक्कत है। बोले हम लोग नवरात्रि उत्सव वाले हैं। तो विख्यात भाई पूछे कि चंदा उंदा चाहिए, बोले चंदा उंदा नहीं चाहिए, ये बताइए ये आपका भाई 9 दिन के लिए खाली है क्या। ये भी विधायक जी हैरानी में आ गया, जैसे ये आए हैं कि आखिर तुम करोगे क्या 9 दिन का इनका, नजर चेहरे से मत हटाइएगा। बोले भैया हम लोग नवरात्रि उत्सव वाले हैं, लाइट टेंट पांडाल माइक सब की व्यवस्था हो गई है, माता जी की मूर्ति भी आ गई है, लेकिन मूर्ति के नीचे जो राक्षस लेटा रहता है वो नहीं मिल पा रहा। ताली जोरदार बजनी चाहिए आपको। बस, अगर 9 दिन के लिए ये खाली हो तो हमारा काम बन जाएगा। तमाम, इतनी सारी बातें करने की क्या जरूरत थी। हाँ, मनोज भैया आए थे तो दादा कह रहे थे कि आपके आंगन की तुलसी है, आपके आंगन की तुलसी है, जैसे हम आपके छातिक पीपल हो। इतना भावनाओं में नहीं बहना है अपने को, इतना
इतना सारा सुंदर श्रृंगार सुना रही थी प्रीति जी। अनिल भैया मुझसे परिचित है, ये भी होटल में मुझसे बता रही थी आप भले श्रृंगार सुनाती हैं, ये आपकी इससे ज्यादा तारीफ करते हैं। अभी लक्ष्मी रेस्टोरेंट के नीचे मिले थे, हमके प्रीति इतना सुनाती हैं, प्रीति जी इतना श्रृंगार, आप सच बताइए घटना क्या है। ये बोले नहीं अमित भैया, सच में बहुत प्रेम करती है हमसे। हमके कैसे, कहीं जब तक घर नहीं जाता हूं तब तक खाना नहीं खाती है प्रीति। हम कहे कलयुग में इससे बढ़िया देवी आपको मिली है, इससे ज्यादा कौन किसको प्राप्त हो सकता है इतना सौभाग्य कि जब तक आप घर नहीं जाते तब तक खाना नहीं खाती हैं। बोले नहीं अमित भैया, प्रेम वेम तो ठीक है, जब घर जाता हूँ बनाता हूँ तब खाती है। बहुत अच्छा अमित, ये प्रेम वार। ये प्रीति जी मैं आपसे थोड़ा सहमत हूँ लेकिन ज्यादा नहीं हूँ। ये प्रेम सिंगार दरअसल ये कलयुग का नहीं है, ये राधा कृष्ण के जमाने में त्रेता द्वापर में होता था भैया, ये संभव ही नहीं है कलयुग में। वो दादा दो आदमी मर के ऊपर गए तो चित्रगुप्त पूछे कि कैसे मर के आए। प्रीति जी सुनिए सिंगार, प्रेम सुनिए। वो ऊपर मर के गए तो चित्रगुप्त पूछे कि कैसे मर के आए भाई, तो एक कहा कि साहब हम ठंड से मर के आए, दूसरे से पूछे कहीं तुम कैसे मर के आए, तो कहा हम शर्म से मर के आए। अब चित्रगुप्त ये कारण पहली बार सुने थे तो पूछे भाई कैसे शर्म से मरे। बोला साहब हम 4-5 दिन अपने शहर से बाहर थे और जब हमारी प्रेमिका ऐसे शहर से प्रीति जी की तरफ आइए 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 पुकार रही थी, हम 4-5 दिन बाद अपने शहर में अपनी प्रेमिका के घर गए तो हमको लगा घर के अंदर कोई है, लेकिन जब दरवाजा खुला तो हम पूरा घर खोजे लेकिन कोई नहीं मिला, तो हमको इतनी ग्लानि हुई इतनी शर्म लगी कि हम शर्म से मर गए। चित्रगुप्त का दिमाग खराब हो गया, वो ठंड वाले से पूछे कि तुम भी बता दो भाई कैसे मरे, तो ठंड वाला बेचारा शर्म वाले की टेक करके पूछा, कहा भैया जब तुम घर खोजे थे तो पूरा घर अच्छी तरह खोजे थे। कहा हाँ अच्छी तरह खोजे थे। बोला फ्रिज का दरवाजा खोले थे। बोला नहीं खोले थे। बोला काश अगर तुम फ्रिज का दरवाजा खोल लेते तो ना तो तुम ठंड से मरते और ना मैं शर्म से मरता। ये प्रेम है दरअसल। मैं दरअसल अभी चेक कर रहा हूँ चकिया वालों, मुझको ये विख्यात भाई और माँ जी बता करके ले आई हैं कि चकिया वाले बहुत अच्छी तरह सुनते हैं। वाकई बहुत बढ़िया। मैं दादा भी बता रहे थे मुझको फोन पर कि चकिया बहुत अच्छा सुनते हैं। मैं कई बार गया हूँ, मैं अभी तक चेक कर रहा हूँ कि आप लोग श्रोता ही बैठे हैं कि पता नहीं कौन है। हाँ मैं सच बताऊं, मैं सीधी में एक जगह विवाह के पहले गया था भैया, तो मैं गीत भी बहुत अच्छा गाता था पहले, विवाह के पहले गीत भी गाता था। ऐसा होता है विधायक जी, विवाह के पहले जो लोग मोहम्मद रफी की तरह गीत गाते हैं, विवाह के बाद ज्यादातर मनमोहन सिंह हो जाते हैं। तो मैं 15 मिनट तक आंख बंद करके गीत पढ़ा। आप चेक कर रहा हूं कि श्रोता बैठे कि नहीं। मैं 15 मिनट तक आंख बंद करके गीत पढ़ा और जब आंख खोला तो केवल एक ही श्रोता बचा था, बाकी सब चले गए थे। तो हम उसको, ये जादू था, हम उसके प्रणाम कर लिए। हम कहे धन्य हैं आप जैसा श्रोता मैंने आज तक नहीं देखा, बताइए मैं आपके लिए क्या करूं। तो वो भी हाथ जोड़ा और कहा भैया आप कुछ मत करिए, और अगर आप शांत हो जाते तो मैं ये कुर्सी गद्दा माइक लेके चला जाता, मैं टेंट वाला बैठा हूं। मेरी कल बुकिंग है। ताली वाली थोड़ी सी बजाते रहेंगे तो आनंद रहेगा। ये दरअसल आदत है, जैसे ये लाइट से जैसे माइक चल रहा है दादा, इसे हम कवियों की आदत है, ताली की आदत है। आदत किसी की खराब ना हो जाए बड़ी खराब चीज है। हमारे मोहल्ले में बस कंडक्टर की शादी हुई तो आदत खराब थी। शादी में जब जयमाले में पहुंचा तो बीबी से बोला कि थोड़ा और खसको, अभी 2 सवारी की जगह और खाली है। आदत खराब थी। ये पंकज भैया की भी आदत खराब है। ये शुद्ध पंडित आदमी है। हमारे साथ ये दिल्ली कार्यक्रम में बनारस से एक दिन हवाई अड्डे से उड़ा विधायक जी, शुद्ध पंडित आदमी है पंकज भैया, इनकी भी आदत खराब है। तो जैसे हवाई अड्डे से उड़े तो एयर होस्टेस आई और कान में बोली सर क्या चाहिए आपको। हाँ अब ये पंडित आदमी है, इनकी भी आदत खराब है। बोली हमको पूरी चाहिए, खीर चाहिए, दम आलू की सब्जी चाहिए। अब एयर होस्टेस का दिमाग खराब हो गया तो इनके कान में मुंह लगाई और बोली देखिए सर आप फ्लाइट में बैठे हैं, विजय माल्या तेरे ही नहीं बैठे हैं। इसी आनंद के साथ हल्के न लीजिए कि बिल्कुल मैं कमजोर आदमी नहीं हूं, जैसा दादा बता रहे थे तो वो बिल्कुल मेरी प्रसिद्धि के बारे में बिल्कुल सच बात है। आज मैं चकिया आया हूँ विख्यात भाई, तो आज तो मैं और मान गया कि मेरी प्रसिद्धि बहुत ज्यादा है। जरूर भाई, ये नरकंकाल दादा थे, हम लोग चले तो हम लोग बाराबंकी से एक गाड़ी किए
सच घटना बता रहा हूँ, आज ही की घटना है। आज मुझको पता चला कि मैं कितना फेमस हूँ, नरकंकाल दादा गवाह है। अच्छा, एक गाड़ी किए हम और आए और कहे कि चकिया तक छोड़ दो, चकिया आया वो लेकर के हमको। अब मास्क मुंह में बांधे थे, जैसे उतरे तो हम कहे कि भैया कितना, वहां से बात करके चले थे। हाँ। कहा कि 1,000 रुपया लूंगा, हम कहे ठीक है भैया। हाँ। चकिया आए, हम कहे भैया ऐसा ना करोगे कि तुम 5 घंटा रुक ले अगर, तो हम अंदर से काम करके आ जाए तो फिर चल देंगे तुम्हारे साथ वापस। हाँ। तो कहा भैया नहीं जाएंगे, रुक सकते हम, हमको बहुत जरूरी काम है। हम कहे क्या जरूरी काम है? कहा एक बहुत बड़े कवि हैं अमित शुक्ला, उनका कवि सम्मेलन है, सुनने जाना है हमको। अच्छा, विधायक जी हमारी छाती मोदी जी से भी चौड़ी होकर 72 इंच की हो गई। हाँ। कि जब टैक्सी वाला हमारी कविता सुनता है तब इससे ज्यादा क्या प्रसिद्धि हो सकती थी। मुंह में मास्क लगाया था, मैं मास्क लगाए लगाए ही 1,000 की जगह 5,000 निकाल करके दिया। अच्छा, प्रसन्नता इतनी थी, टैक्सी वाला भी कम नहीं था, 5,000 लिया। कहा कि साहब आप 1,000 की जगह 5,000 दिए हैं, अब 5 घंटे नहीं, आराम से आप 10 घंटे में काम करके आए, भाड़ में जाए अमित शुक्ला और भाड़ में जाए उनका कवि सम्मेलन। अच्छा है, ताली जोरदार आपकी बजी। भाई क्या कहने, वाह वाह, इतना मस्ती के साथ। पुलिस उलिस पर तमाम बातें रख कर, पुलिस कोई विषय है? पुलिस विषय कोई है नहीं, हमारे पुलिस के जवान पीछे बैठे हुए, पुलिस कोई, मैं पुलिस के जवानों का जितना सम्मान करता हूँ अपनी बीवी का उतना नहीं करता हूँ अनिल जी। अच्छा, सच बता रहा हूँ, पुलिस जैसा अनुशासन देश में आपको कहीं नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ वो एक दरोगा जी नीचे कुएं में गिर गए एक बार। हाँ। तो नीचे से चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ, तो रास्ते से कोई कांस्टेबल सिपाही जा रहा था बब्बन जी, उसे लगा कि कोई राहगीर होगा, तो उसने रस्सी डाली और कहा जो कोई हो तो ऊपर आ जाओ। अब अनुशासन देखिए पुलिस का, दरोगा जी रस्सी पकड़ के ऊपर आए, और जब एक हाथ कुआं बचा था तो सिपाही ने देख लिया कि दरोगा जी हैं, तो रस्सी छोड़ के बोला जय हिंद साहब। अच्छा अच्छा है, अच्छा है भाई, वाह वाह, ये अनुशासन कहां मिलेगा? इतना आनंद के साथ राजनीति पर व्यंग करते हैं, बताइए राजनीति कोई विषय है? विधायक जितने मन से सुन रहे हैं, राजनीति कोई विषय नहीं, राजनीति पर कविता सुनानी चाहिए क्या? नहीं सुनानी चाहिए। हम आपके यहाँ भी चुनाव होने वाला, हमारे यहाँ पंचायत चुनाव होने वाला है, राजनीति कोई विषय नहीं। हमारे यहाँ चुनाव से एक बार निपट के आई तो ऐसा लगता है जैसे गंगा नहा के आ गए हों। हमारे यहाँ एक नेता जी चुनाव प्रचार करने आए तो बाहर से ही चिल्लाए, बोले इस बार हम लोगों को फिर से वोट दीजिए विकास होगा, इस बार हम लोगों को फिर से वोट दीजिए विकास होगा। तो अंदर से एक भाभी निकल आई, बोली नेता जी झूठ मत बोलिए, पिछले बार भी आप बोल गए थे कि विकास होगा, लेकिन विकास नहीं हुआ था, पिंकी हुई थी। एक नेता जी और आए तो बाहर से ही चिल्लाए, बोले क्या समस्या है आपके गांव में? हम कहे कोई समस्या नहीं साहब, मोदी जी आ गए हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है, सड़क है, पानी है, बिजली है, सब है हमारे गाँव में, केवल एक दिक्कत है, हमारे गाँव में शमशान नहीं है। भैया ये कला केवल चकिया के आदमी की हो सकती है कि मेहनत इधर कर रहे हैं फोटो उधर ले रहे हैं। नहीं कोई बात नहीं, ये फोटोग्राफर की समस्या है, मैं इनसे हमेशा से जूझता हूँ। मैं शादी में बैठा था विधायक जी, तो फोटोग्राफर आए, मेरी फोटो खींचनी हो तो खच्चे से खींच के भाग जाए, अब मैडम की फोटो खींचनी हो तो कभी यूं कराए कभी यूं कराए। तो हम कहे भाई 3 घंटे हो गए तुम कर क्या रहे हो? बोला आप शांत रहिए, मैं दुल्हन को अपने हिसाब से सेट कर रहा हूँ। इसके लिए भी ताली बजा दीजिए। हाँ, हाँ, हाँ। नेताजी आए बाहर से, बोले क्या समस्या? हमके कोई समस्या नहीं साहब, सड़क है, पानी है, बिजली सब है हमारे गांव में, केवल एक समस्या है, शमशान नहीं है हमारे गांव में। जब कोई बुजुर्ग गुजरता है तो बड़ी दिक्कत होती है, शमशान नहीं है हमारे गांव में। नेताजी और खतरनाक थे, बोले इस बार हम लोगों को वोट दीजिए, एक एक घर में शमशान बना देंगे। आनंद बस इसी तरह। 4 पंक्तियां सुनिए धीरे से निवेदन। स्वागत हमें, बहुत अच्छे। 4 पंक्तियां सुनिए। सरकार ने एक नियम निकाला है, और वो नियम अभी ही क्यों लागू होना था, पहले क्यों नहीं लागू हुआ? अगर मेरी नजर गई हो ठीक ठीक तो फिर बात आप तक पहुंचे, निवेदन करता हूँ सुनेगा। बहुत अच्छे। संकट में आज पूरा देश जब जूझ रहा, आपदा को अवसर किसी ने बताया है। सुनिएगा, वो नियम अभी ही क्यों लागू होना था, पहले क्यों नहीं लागू हुआ? कि संकट में आज पूरा देश जब जूझ रहा, आपदा को अवसर किसी ने बताया है। घर में पड़े थे लोग, डर था ये, इसीलिए सरकार ने ये अधिनियम बनाया है। कौन सा? कि घर में पड़े थे लोग, डर था ये, इसीलिए सरकार ने ये अधिनियम बनाया है। कि 2 बच्चे थे पहले ही, प्रमोद भैया 2 बच्चे थे पहले ही, 2 बच्चे थे पहले ही, तीसरा भी हुआ जिसे
फ्री में जो लाभ लॉकडाउन का उठाया है। और आखिरी पंक्ति में मजा आ जाए तो फिर महोत्सव करिएगा कि दो बच्चे थे पहले ही तीसरा भी हुआ जिसे, फ्री में जो लाभ लॉकडाउन का उठाया है और सरकारी लाभ कोई उसको मिलेगा नहीं, कोरोना में देश की आबादी जो बढ़ाया है।